गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। तो नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.3। ये सारे 4.3 के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.3 के जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले बोल रहा है राइट द नेम ऑफ वर्टेक्स एंड साइड ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो होता है जहाँ जिस पॉइंट से हम लोग साइड को मतलब स्टार्ट करते हैं। कोई भी मान लीजिए यहाँ पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो हुआ ये आपका वर्टेक्स होगा। तो इस फिगर में बोल रहा है कौन सा वर्टेक्स है, तो हमारा वर्टेक्स क्या है? ई है। तो वर्टेक्स क्या है हमारा? वर्टेक्स ई है, ठीक। अब बोल रहा है साइड भी बताइए। तो साइड क्या होता है? जो हमने लाइन ड्रॉ किया है इसी को हम साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे साइड कौन सा होगा? ई ए और ई डी क्या है? साइड है। ई ए और ई डी क्या है? साइड है, ठीक। इसी तरह और भी फिगर होंगे उसमें आप बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। आपको अब इस फिगर को देख के इसमें एंगल बताना है कि कौन सा एंगल है। तो इस एंगल का नाम क्या है? देखिए ये है, ये एंगल है। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए, ऐसे बनाते हैं एंगल ए ओ बी, इसको बोलते हैं एंगल ए ओ बी। नाम लिखना है बस, आपको ऐसे ही नाम लिख देना है ए ओ बी। जहाँ एंगल होता है उसको हमेशा वो वाला लेटर बीच में ही लिखते हैं, ए ओ बी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यहाँ कोई नाम नहीं है, बस एंगल पूछा है, तो आप एंगल बस क्या होगा? थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। ये एंगल थीटा, ठीक है, इसको हम थीटा बोलते हैं। बोला ड्रॉ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल बी। अब हमको ड्रॉ करना है एक एंगल एक्स वाई जेड। तो वाई देखो बीच में है, तो हमेशा हम यही मान लो ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो यही यहाँ पे ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, और ये हमने एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक। उसका नाम क्या है? बी। तो इसी को आप ऐसे कर लो, ये है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने थीटा बताया वैसे ये बोला था बी। तो दो फिगर्स का बनाना, एक ऐसे एक्स वाई जेड और एक ऐसे बी, ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट एंगल इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। यहाँ देखिए ये फिगर है और बोला है इसमें जितने जितने एंगल हैं उसका नाम लिखो। तो सबसे पहला एंगल हम क्या लिखेंगे? ये सब एंगल ही हैं। तो सबसे पहला एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। दूसरा एंगल ए ओ बी हो गया, अब आएगा ए ओ सी, ऐसे गए फिर अब ऐसे। तो एंगल ए ओ सी, देन फिर एंगल ए ओ डी, फिर एंगल ए ओ ई, ठीक है, ऐसे है। अब उसी तरह बी पे आइए, अब बी जाएगा तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, फिर आएगा एंगल बी ओ डी, फिर बी ओ ई, फिर आते हैं सी पे। ए वाला हो गया, बी वाला, फिर सी पे सी ओ डी सी ओ ई, ठीक है, फिर आएगा डी ओ ई। तो इतने सारे एंगल्स होंगे, ठीक है, इसी तरह आप लिख लीजिएगा। मैंने बस ए और बी का एक वर्ड लिखा है, बाकी आप सब लिखिएगा। फिर बोला है सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द एंगल गिवन इन द फिगर इन द थ्री लेटर्स। थ्री लेटर्स में हमको एंगल को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ फिगर दे दिया है, इसका नाम है एक्स वाई जेड। सो यहाँ पे ये पी है, ठीक है, और बोल रहा है कुछ कुछ दिया है एंगल का नाम, उस पर हमको नाम लिखना है। हम इसमें से दो ही एंगल लिखे हैं, एंगल वन और एंगल टू, मैं बता रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। एंगल वन, एंगल वन क्या है देखो, एक्स है वाई है जेड है, ये पूरा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो फिर से आप फिगर बना लो, देखो ये एंगल है ना, तो ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? वाई एक्स जेड, इसको हम क्या बोलेंगे? वाई एंगल वाई एक्स जेड, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एंगल टू देखिए, एंगल टू इधर है, तो एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड होगा, एंगल एक्स वाई जेड। अब अगर फोर पूछ लेता है, मान लीजिए एंगल फोर पूछ रहा है, एंगल फोर की जगह क्या लिखेंगे? एंगल फोर ये पूरा नहीं है, ये सिर्फ इतना है, तो आप कैसे बोलोगे? एक्स जेड पी, ये इतने ही में आ रहा है, तो एक्स जेड पी, इसको बोलोगे एंगल एक्स जेड पी। और मैंने बताया था जहाँ एंगल रिप्रेजेंट होता है वही वाला लेटर बीच में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, बाकी आप सेम ऐसे ही करोगे। सो आपका एक्सरसाइज 4.3 भी आप खुद कर सकते हो, कर लीजिएगा। थैंक यू।